अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, आपको पता है यहां पर क्या होने वाला है। इफ यू फील वो सवाल का जवाब अनीशा के लिए सूट होता है, आप लाल वाला कार्ड उठाओगे जिसपे लिखा है हर, उठा के दिखा दो लोगों को दिखाई। और अगर आपको लगता है कि उस सवाल का जवाब उज्जवल को ज्यादा सूट करता है, आप वो ब्लू वाला कार्ड उठाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी कितनी बैठती है और क्या हम इन्हें परमिशन देते हैं सगाई और शादी करने के। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? विदाउट थिंकिंग यू गाइस हैव टू आंसर। आप आगे देख सकते हो। और आपका पहला सवाल है ये, सबसे ज्यादा सोता कौन है, सबसे ज्यादा खाता कौन है, सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करते हैं, हु इज द लेट लतीफ। आई थिंक हमें इनके तालियां बजानी चाहिए, अब तक दे गोइंग वेरी स्ट्रांग, अब तक एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है। हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है शादी के बाद फैन का रिमोट किसके हाथ में होगा? I think Ujjwal has agreed to give the remote to her. Contract. शादी के बाद पिज्जा का आखिरी स्लाइस किसको मिलेगा? ये तो गलत हो गया। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर नीचे अंकित भाई मिले थे और उन्होंने मुझे बोला था कि कुणाल ये सवाल जरूर पूछना है उज्जवल और अनीशा से, आप दोनों में से हनीमून में जाने को सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? ओके, बिफोर आई कैरी ऑन, यहां पर कोई है जिन्हें कोई सवाल पूछना है अनीशा उज्जवल से? हाँ, किसी को सवाल पूछना है? यस, आई एम कमिंग टू यू उज्जवल। अनीशा, आप दोनों को वहां पर ही रुकना और आंसर करना है हमारे लिए। तो अभी तक जब भी अनीशा और उज्जवल जी झगड़ा करते थे, जो अनीशा ही झगड़ा करती थी, उज्जवल जी सॉरी बोलते थे पहले हमेशा, तो अभी शादी के बाद पहले सॉरी कौन बोलेगा? अनीशा बोलेगी। यू हैव एनी क्वेश्चन? यहां पर हाँ गुंज, कौन किसको ज्यादा प्यार करता है? अनीशा, यहां पर तीरथ को भी सवाल पूछना था पर वो माइक पे बोलने से शर्मा रहा था। उसका सवाल ये था कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है टू हैव किड्स? Who is the most excited to have kids? In 3, 2, 1. हमें तो आंसर चाहिए चाहिए। अनीशा और उज्जवल के बीच में कौन सबसे एक्साइटेड है टू हैव किड्स? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लोग दोनों ऐसा सरप्राइज हो गए।